बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय किचन। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक, क्योंकि गर्मियाँ बहुत शदीद है और गर्मी में अगर आप ये ड्रिंक बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत ठंडक का एहसास होगा और झटपट बनने वाली ड्रिंक है। आप इसको बना के प्रिजर्व भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, फ्रिज में। तो हम बना रहे हैं आपके लिए आज मैंगो स्क्वैश, क्योंकि आम का सीज़न जा रहा है तो आप इसको जो है बना के आप फ्रीज़र में रख लीजिए और उसको आप चाहे फ्रिज में रख लें तो ये आपको काफ़ी अर्से तक आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने मैंगो प्यूरी बनाई है। कुछ चार पांच मैंगो लेकर, आम लेकर, उसको हमने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब हम डालेंगे इसको, इसको सॉस पैन में आपको पकाना है। हम सॉस पैन में डाल रहे हैं इसको, थोड़ा पानी डालेंगे और उसमें चीनी डालेंगे। आम का सीजन अब जा रहा है तो आप इसको बना के अपने फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए और जब आपको आपको पीना हो तो आप निकालिए, पानी में मिक्स कीजिए, बर्फ डालिए ठंडा ठंडा और इंजॉय कीजिए। यह हमने डाल दिया मैंगो प्यूरी सॉस पैन में डाल दी है और हम इसको डाल दी है और हम इसको इसमें शक्कर डालेंगे। बहुत सिंपल, सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगी। ये बन जाएगा आपका मैंगो स्क्वैश, मज़ेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक। इसको अच्छी तरह से आप साफ कर दीजिए ब्लेंडर को, कोई चीज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वेस्ट ना हो कुछ। डाल दिया इसके अंदर और अब हम डालेंगे इसमें शक्कर, आपको जितनी पसंद है, जितना मीठा आप रखना चाहें अपने हिसाब से डाली कर, हमने जितना रखना है हम अपने हिसाब से डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं शक्कर इसमें तकरीबन 2-3-4, क्योंकि आम वैसे भी मीठा ही होता है। ये हम डाल दिए 4 टेबल स्पून भर के। इसमें आप थोड़ा सा आप इसमें डाल दें सिरका, इससे ये कि आप इसको देर तक रख सकते हैं, आपका ख़राब नहीं होगा। ये फिर तकरीबन 1 टी स्पून हम इसमें सिरका डाल रहे हैं, सिर्फ 1 टी स्पून। और इसमें जाएगा लेमन जूस, एक इसमें लेमन जूस जाएगा, हम जूस निकाल रहे हैं लेमन का। बहुत जल्दी से बन जाता है और बहुत ज़्यादा मज़े का, गर्मी में बहुत ठंडक का एहसास होता है आपको। तो बच्चे बहुत शौक से पीते हैं ये आम, तो वैसे भी सबको पसंद होता है आम। और आप आज की आम की प्यूरी बना के आप पराठे से खाइए, वाह क्या मज़े का लगता है आम और पराठा। कभी नाश्ते में आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। ये हमने लीमू डाल दिया है इसमें, और जो लीमू का छिलका है उसको आप वेस्ट मत कीजिए, उसको आप अपने स्किन पे जो है स्क्रब कीजिए, उससे रंग गोरा कीजिए, क्योंकि इसमें जो है वो बीच होता है वाइटनिंग के लिए। लीमू का छिलका बहुत बेस्ट है। ये बन गया है, अब इसको आप चाहे तो बॉटल में इसको प्रिजर्व कर लीजिए। आपको दिखाते हैं प्यूरी, ये मैंगो स्क्वैश, ये देखिए ये बन चुका है। इसको ठंडा करके आप बॉटल में जो है आप इसको स्टोर करके रख लीजिए, जब पीना हो आपको 2 चम्मच निकालिए, ग्लास में बर्फ़ डालिए, पानी डालिए ठंडा और इन्जॉय कीजिए। जी तो व्यूवर्स, ये बन गया है मज़ेदार मैंगो स्क्वैश। ये हमने अपने लिए निकाला है अभी, ये हम बना के इसको फ्रीज़र में रख देंगे, जब भी पीना होगा इसमें से निकालेंगे 2 चम्मच और उसको जो है पानी में मिक्स करके बर्फ़ को क्रश करके आप आइस क्यूब इसमें क्रश करके डालिए। यकीन कीजिए इतना मज़े का लगेगा और आप इतना ठंडक का एहसास होगा, ये गर्मी भी ख़त्म करेगा। जी व्यूवर्स, कैसा लगा आपको ये ड्रिंक,
मैंगो स्क्वैश रिफ्रेशिंग ड्रिंक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, चिल करेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप भी बनाइए, खुद भी पीजिए, घर वालों को भी पिलाइए, बच्चे बहुत शौक से पियेंगे। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।